नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जो आप कह सकते हैं निवेशकों को बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिया था एक समय में, फिर एक बड़ी गिरावट दिखाया और उसके बाद से इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है ये स्टॉक कि निवेशकों को समझ में नहीं आता है कि स्टॉक में बने रहें या निकले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो आपको लगेगा स्टॉक से जल्द हमें निकल जाना चाहिए, लेकिन जब स्टॉक की फंडामेंटल देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, जहां पे ये बिजनेस करता है उसको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों जो स्टॉक है कहीं जा नहीं रहा है, इस कारण है निवेशक बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और जिस लेवल पे आज क्लोज दिया है दोस्तों, ये इस बात का परिचायक है कि यहां से थोड़ी अगर और गिरावट होती है, कौन सा वो लेवल है आपके साथ चर्चा करूंगा, तो ये स्टॉक एक बहुत बड़ी गिरावट की ओर बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम है दोस्तों वैभव ग्लोबल लिमिटेड। क्या दोस्तों? वैभव ग्लोबल लिमिटेड। आप देखें यहां पे लगभग 1.16% की आपको यहां पे स्टॉक गिरावट दिखाया है। ठीक है दोस्तों, और बात सिर्फ इतनी नहीं है, पिछले एक महीने में स्टॉक आप देखिए 12.5% से ज्यादा टूट चुका है। ठीक है, कितना? 12.5% ज्यादा। और स्थिति और भी ज्यादा डरावनी और भी ज्यादा भयंकर लगती है जब आप 5 साल में जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 साल में आपको 116% तो दिख रहा है, लेकिन मैं 5 साल आपको इसी दिखा रहा हूं। आप देखें ये 7 मई 2021 को हाई लगाया था, वहां से आप देखेंगे तो आप पाएंगे स्टॉक ऑलमोस्ट, जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 70% टूट चुका है। ठीक है, आप देखें कि ये जो पूरी आपको यहां से तेजी देखने को मिली थी, आप ये लेवल देखें, ठीक है, आपको यहां तेजी देखने को मिली थी, ये वापस से दोस्तों ये देखिए यहां से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों जहां क्लोज हुआ है, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा आप देखेंगे ये गैप है जो ये फुलफिल करने आएगा। और अगर आपको मैं बताऊं ये जो गैप है ये कौन से लेवल का है, तो आप देखें ये स्टॉक आता है दोस्तों यहां से सीधा नीचे 200 का। और ये कौन सा सपोर्ट जोन है दोस्तों, वो है देखिए आप, तो वो सपोर्ट आप पाएंगे देखिए सीधा इससे पहले 290 के आसपास का। ठीक है, कितना? 290 के आसपास का। और मैं बता दूं जो 280 से लेकर के 290 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए करेंटली बहुत स्ट्रांग रखता है, क्योंकि पिछले समय से जो आप गिरावट देख रहे हैं, ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इसका 52 वीक जो लो आता है वो 287 का है दोस्तों, यानी कि इसीलिए जो 290 है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो फिर सीधा ये गैप फुल करने आएगा दोस्तों, और ये गैप आपको मैं पहले बता देता हूं क्या है, फिर से ये गैप है, सीधा ये गैप करने आएगा 270 रुपीज का दोस्तों, जी हाँ 270 रुपए डायरेक्ट ये स्टॉक आएगा, और उसके बाद सीधा 240 एक 250 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी कि दोस्तों आपकी नजर एज ए इन्वेस्टर 290 के लेवल के आसपास होनी चाहिए। अगर 290 टूटता है दोस्तों तो वापस से स्टॉक गिरावट लगभग 270 के आसपास जा सकता है, और एक बार अगर बाजार भी साथ में गिरता है तो 250 के लेवल्स भी कहीं नहीं गए, 250 रुपए के लेवल भी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है दोस्तों। और देखिए जिस तरह के सिनारियोस बन रहे हैं, जिस तरह के टेक्निकल वीकनेस देखने को मिल रही है, और आने वाले समय दोस्तों Q3 के नंबर्स जो हैं अब इस महीने शुरू हो जाएंगे, तो Q3 कैसे आएगा और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या रहती है, ये बात को लेकर के चर्चा चल रही है। देखिए बाजार को शायद लग रहा है कि इस बार के रिजल्ट अच्छे ना आए, इसलिए इस तरह की बड़ी गिरावट आपको ये स्टॉक दिखा रहा है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको डरना जरूर चाहिए, क्योंकि 290 जाते हैं स्टॉक शायद एक बार 250 के लेवल भी आपको दिखा सकता है दोस्तों। ठीक है,
मैं फिर कहूंगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज अ फंडामेंटल स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, लेकिन जो दो बड़े शेयर जहां पे ये ट्रेड करता है यूएस और यूके, वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा जर्जर हाल में है दोस्तों। तो टेक्निकल रूप पे 250 तक की लेवल आप पे आपकी नजर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप स्टॉक में निवेश या निवेश की सोच रहे हैं और लगातार टेक्निकल व्यूज देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद कोई भी निवेश करें तो उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।